कि आपको कुछ भी नहीं करने का है, सहज में हो जाता है। सहज शब्द का रोजमर्रा भाषा में सहज माने आसान, लेकिन सहज शब्द जहाँ से आया है वो सह और ज के साथ मिले हुए सहज से आया, माने आसान है। मतलब जो हमारे साथ जो पैदा हुई आँख है, हमारे साथ पैदा हुई हमारी नाक है, इसका हमें कुछ देखना नहीं पड़ता, उठती हैं, इस कारण उसमें कोई भी प्रतिबिंब पूरा नहीं पड़ता। पर अगर कोई ऐसा सरोवर हो कि जिसके अंदर कोई भी लहर उठ नहीं रही, तो उसके चारों तरफ फैला हुआ उसका सौंदर्य पूरा की पूरा अंदर प्रतिबिंबित होता है। इतना ही नहीं, पर पूरा तादाद हो पाता है। इसी तरह से जब आप किसी भी सुंदर दृश्य को देखेंगे, परमात्मा की रचना की ओर दृष्टि करेंगे, आप निर्विचार हो जाइए। निर्विचार होते ही उसके अंदर की जो आनंद शक्ति है वो आपके अंदर पूरी प्रतिबिंबित होगी। इतना ही नहीं, आप उसे पूरी तरह से तादात में पा लीजिए। इसी तरह से संगीत अनेक विध परमात्मा ने आपके लिए श्रृंगार सजाया, अत्यंत सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ। उस सौंदर्य के सूत्र ही पे उतरने से आपके अंदर आनंद की उत्पत्ति हो गई, और उस आनंद को आप लूटने ही के लिए पैदा हुए हैं, अपने को बेकार में दुखी बनाने की सोच रहे हैं। इस पर से बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें अब आगे क्या करना होगा। अब क्या करना होगा, सिर्फ देखना होगा। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं उस प्रेक्षक की दृष्टि से, तो आप थोड़ी पूछते हमें क्या करना, सब कुछ देखना ही, देखते ही रहना, आवागमन देखना है, पेड़ों का बढ़ना देखना है, चिड़ियों का चहचहाना देखना है, हर एक चीज की मंगल पवित्र पूर्ण मधुर मुस्कान हर चीज में लहलाती है, परमेश्वर की आशीर्वाद की वाणी उसको सुनना, और कुछ भी नहीं करना, बस यही सब देखते देखते आप अपने में विभोर हो जाओ। अब सिर्फ देखने का मजा है, कुछ करने का सवाल ही नहीं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आपको बहुत कुछ अब नहीं करना होगा, जैसे कि आप लोग बहुत से योग आसन आदि करते होंगे, तो बहुत योगासन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। एक आध हल्का योगासन करें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अधिकतर अपने शरीर का बहुत ख्याल रखें। इसी शरीर में उस परमात्मा का वास, इसकी इज्जत, इसके साथ कोई भी ज्यादती करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, शराब आदि चीज़ों से अगर आप अपना छुटकारा करना चाहते हैं तो बहुत आसान। अब आप कोई भी चीज़ का निश्चय कर ले, वो काम हो जाए। आपने कंडीशनिंग नहीं आ, अगर आपने तय कर लिया कि हमें शराब नहीं पीना, छूट जाएगी शराब। शराब इंसान इसीलिए पीता है कि अपने से भागना चाहे। एक शराब के सिवाय और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके लिए मैं मना कर रही हूँ, लेकिन शराब जरूर ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो आपकी चेतना पे चोट करती है। शराब की ओर देखते साथ शराब छूट जाए, क्योंकि आप स्वयं को इतना प्यार करने लगे और अपना इतना मज़ा आएगा। अगर आप में से किसी को जेल हो जाए तो आप कहेंगे वाह भाई ये तो बड़ा अच्छा होगा, बैठ के ध्यान करें। मनुष्य अपने ही मौज में ऐसा रहेगा कि उसको फिर शराब रात की कहाँ आ गई, सिगरेट भी अपने आप छूट जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। हमारे यहाँ बम्बई में तो यह हालत है कि अगर माचिस चाहिए तो घर से ले जाना पड़ती है उदबत्ती जलाने के लिए, कोई भी सिगरेट नहीं पीते। बड़े बड़े सिगरेट पीने वाले पता नहीं कैसे सिगरेट छोड़ देते। कुछ लोग थे वो बहुत रमी खेलते थे, वो कहते रमी हमारी छूट गई, क्योंकि अब मज़ा आ गया, ज़िंदगी में मज़ा आएगा, इंसान में मज़ा आएगा, उनके प्रॉब्लम्स में मज़ा आएगा, उनके साथ जूझने में मज़ा आएगा। अब आप इंसान के साथ एक होना चाहिए। अब ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अब हम दूसरे हो, अब वो नहीं रहे जो पहले थे, एकदम बदल गए, अब दूसरे हमारे साथ बदले नहीं, उनकी ओर देखना है, उनसे घबराने कोई बात, क्योंकि आप भी तो वैसे ही थे। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं हम बड़े भारी पोजीशन के आए, बड़ी उनकी पोजीशन खोपड़ी की गई, कोई सोचते हैं हम पैसे वाले, कोई सोचते हैं हम बड़े भारी धार्मिक आदमी। सोच लीजिए सब पागल हैं उनकी तरफ देखते हुए, सब पागल खाने में अपने को बहुत अकल लग गए। जब उस पागल खाने में आप थे, आप भी यही सोचा करते, ये सब पागलपन की बात है। एकदम से सारी जो मिथ्या चीज़ें धीरे धीरे छूट जाएंगी जब आप जान जाइएगा कि सब मिथ्या। अब आपके अंदर वो शक्ति आ गई, अब आप में ऐसी शक्ति आ गई जिसके कारण आप कोई सी भी बात सोचेंगे उस सोच विचार का आप पर असर नहीं। जैसे कि कोई आदमी कहे मुझे गुस्सा नहीं करना, तो बड़े अपने से पूछा अरे पागल जरा गुस्सा तो कर। आप शीशे सामने खड़े होकर अपने थोड़ा गुस्सा करिए, वही हंसी आएगी। जब भी आप गुस्सा करिएगा अंदर से कोई हंसता ही रहेगा, आपको पूरी समय हंसी ही आती है। गुस्से में आप लपटिएगा, लपट नहीं सकते,
किसी भी चीज में आप लपट नहीं सकते। सभी चीज काम क्रोध मद मच्छर आदि सब चीजें जो है वो इस विषय की एक अपनी एक खेल है, उसे आप देखते रहे, उसका एक खेल है उसे आप देखते रहे। आप दूर हैं, आप दूर से उसे देखते, क्योंकि आप जो पहले बाहर थे वो नहीं रहे और अब आप अंदर। प्रयत्न यही करना है कि अपने को अंदर रखें, बाहर दूसरों से बात करते वक्त भी अंदर रहें, माने निर्विचार, किसी से भी बात करें, किसी से भी कुछ कहना हो पहले निर्विचार हो जाए। निर्विचार होते ही आप उनके अंदर उतर जाते हैं, फौरन उनका भी रंग बदल जाएगा और आपका तो बदला हुआ है। लेकिन अगर आप भी बाहर सतह पे आ जाए तो हो सकता है वो आपको पलटा दे। अभी आप अंदर बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि अभी अभी कहीं अंदर आप पहुँचे, जैसे कि आप ट्रैफिक में से गुजर के आ रहे हैं और आपको एक पहाड़ी पर दिखा, लेकिन आपको ट्रैफिक की आदत हो गई है तो आप ख्याल बनता है अरे मैं तो ट्रैफिक में, फिर आप देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पता हो जाएगा कि आप कहाँ गए। यही सेल्फ रियलाइजेशन। पहली तो चीज़ है कि संसार का सारा सौंदर्य आप में तादाद है। आप जानिए कि नई चीज़ है, बड़ी अद्भुत, विश्वसनीय नहीं, कोई विश्वास नहीं कर सकता, पर है बात ऐसा ही होगा। आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप साक्षी होंगे। घर में कोई बीमार पड़ गया, अब सारा घर दौड़ेगा, आफत करेगा, ये कोई झूठ कोई सब कुछ चलेगा। आप अपने देखते रहें, आपको बराबर सूझेगा क्या करना है, आपको जो मन में आए वो आप करें। आपका मन होने के सर पे हाथ रखें, सर पे हाथ रखिए, पैर पकड़ने का मन हो पैर पकड़िए, जो भी आपके मन में आ रहा है सबके ही आ रहा है उसको। दूसरी चीज़ है सत्य की। अब सत्य बोले या झूठ बोले, झूठ क्या सत्य क्या, बहुत सा सत्य जो होता है यहीं बनाया हुआ सत्य, मनुष्य ने बनाया हुआ सत्य कोई सत्य नहीं। बहुत बार बहुत सा जो झूठ दिखाई देता है वो महान सत्य होता है, इसलिए उसका निर्णय आप मत दीजिए। आप सिर्फ बोलिए, आप अपनी निर्विचारता पर बोलें, आप अपनी स्थिति पर बोलें। लोगों से डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है, यही सत्य है, यही होना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात। दिखने के लिए वो शायद लोगों को झूठ लगे, लोग आप पर हंस भी सकते हैं। हम पूना में गए थे, वहाँ से कुछ ऐसे महामूर्ख लोग थे, उन्होंने पेपर में तक निकाला कि ये लोग जो हाथ से ऐसे ऐसे माता जी कर रही थी तो वो सबको मेसमराइज। तो उनको एक साहब ने सवाल पूछा वहाँ पर कि आप उनको क्या ज़रूरत पड़ी मेसमराइज करने, और उनको कोई धंधा नहीं। कहें हम तो मेसमराइज नहीं हो सकते, कहें आप हो भी नहीं सकते, उनके तरह का मेसमराइज होना कठिन। इसलिए तरह तरह के लोग हैं दुनिया में जिनको समझ नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये चैतन्य आ गया, आपके अंदर से बह रहा, आपने इसे देखा हुआ, इसकी पुष्टि की आपको ज़रूरत है, लेकिन आपको तेजस्विता नहीं पा रही। यही आप में और बड़े बड़े साधु संतों में यही अंतर है। आप में वो तेजस्विता भी पाई नहीं जो प्रखर होती है, जो अपने सत्य पर अटूट खड़ी रहती है, जो डरती नहीं दुनिया से कहने के लिए कि यही सत्य, बाकी सब असत्य और मिथ्या है। वो क्राइस्ट जैसे आदमी के अंदर, वो कृष्ण के अंदर, और आज भी बहुत बड़े बड़े संत साधुओं में ये चीज़ पाई जाती है। वो आप आदिशंकराचार्य में पाई, आप उनकी पुष्टि के लिए आप उनकी किताबें पढ़ें। अब नए सिरे से आप पढ़िए, आप नए सिरे से गीता पढ़ें, नए सिरे से आप बाइबल पढ़ें। उसमें आप देखिएगा कि आपकी हर एक बात को पुष्टि देने वाली चीज़ें उसमें, लेकिन आप स्वयं पुष्ट हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आपको ही सपोर्ट करता रहे, आपको कोई सहारा दे, आप स्वयं अपने सहारे पर खड़ा होना जैसे शुरू कर देंगे एकदम प्रकाश। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। हमारे यहाँ ऐसे लोग देखती हूँ कि एक मेव घर के अंदर एक आदमी हो जाता है, वो फिर किसी से बात कहता नहीं, अंदर छुपा लेता। बाइबल में कहा जाता है कि दिया नीचे नहीं रखा जाता, टेबल के नीचे नहीं दिया रखा जाता है, किसी ऊंचे स्थान पर दिया रखना चाहिए। अगर आप वाकई दीपक हो गए, ऊंचे स्थान पर बैठ करके सबको प्रकाश दें। सब धर्मों का प्रकाश यही है। आप चाहे किसी भी धर्म हो, आप उठा के देखिए, आप सिखों को धर्म को मानते हैं, उठा के देख लीजिए अगर कहीं पर भी ये बात न लिखी हो, अगर झूठ बात कही है। आप किसी भी धर्म की किताब देख लीजिए, सब किताबों में आपसे पुष्टि के लिए बड़े बड़े लोगों ने लिखा था। आप श्लोक से श्लोक कह सकते हैं, आप कुरान के आयात कह सकते हैं, सब इसी चीज़ की गवाही देते, चाहे उसे यहाँ पर हम लोग जिसे जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं संस्कृत में, और जिसे वो लोग रूहानी कहते हैं। नाम बदल देने से जो सत्य है वो एक ही है, और सबको ये मालूम है आप लोगों की सत्य क्या है।
तो सत्य की भी कोई व्याख्या तो हो नहीं सकती, सागर की क्या व्याख्या थी। लेकिन क्षण क्षण में आप देखेंगे सत्य ये मिथ्या है, सत्य ये मिथ्या है, आपके वाइब्रेशन से आता है। वाइब्रेशन को इतना आप तोल पाइएगा, उसे इतना समझ पाइएगा, जहाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं वहीं सत्य। आप पत्थर में भी, मिट्टी में भी, हर एक चीज़ में आप वाइब्रेशन देखेंगे। कोई अगर आदमी है उसके चार पांच चक्र पड़ेंगे, उससे उलझने कोई ज़रूरत नहीं, कठिन आदमी आपके दफ्तर नहीं, आपको फौरन आपके हाथ से गर्म गर्म आ जाएगा, भागिए वहाँ कुछ दिनों के लिए, बाद में वो भागेगा आप, वो खुद ही जलेगा। जिससे भी आपको गर्म गर्म वाइब्रेशन आए, सोच लीजिए ये अपनी बात नहीं, ये रूहानी बात नहीं, यहाँ पर कोई तो अंधेरा है, रोशनी और अंधेरे का युद्ध पूरी समय चल रहा है, आपके दीप इतने सारे जल गए। सारा ही वातावरण बदल सकता है और कुछ दीप और जल गए, इसलिए अपने दीप को जलाते रखना चाहिए, अपने वाइब्रेशंस को हमेशा तौलते रहे। हमारे फोटो से वाइब्रेशंस हर समय आते हैं, उसके कभी गुस्से नहीं, आप हमारे फोटो की ओर अपना हाथ क्या करें। अगर आपने किसी भी उंगली पर देखा कि जिस जगह भी आपको वाइब्रेशन जलते हुए नजर आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का अर्थ होता है। जैसे आप जानते हैं ये मणिपुर चक्र और ये आपका शुद्धि चक्र और ये आपका आज्ञा चक्र, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र और ये आपका मूलाधार, बीचों बीच यहाँ पर आपके हाथ के बीचों बीच संस्कार है पूरा देव। किसी को भी किसी ने आकर आपसे बता दिया कि फलाने की तबीयत खराब है, हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो आपका चक्र उनका खराब हो उसको आप यूँ करके धो लीजिए पानी, बहुत उनको फ़ायदा होता है। यहीं बैठ आपके उंगलियों के इशारे पे सब चीज़ चल रहा है, आपके अटेंशन पे दिव्यत्व, तो मैंने आज सवेरे बताया था, इसका आप पड़ताला लीजिए। पाँव में पूरे चक्र बने हैं, मनुष्य बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, ऐसे हजारों उसके आगे यंत्र फेंक दिए जाए तो भी मनुष्य का यंत्र परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, बस उसकी बिजली चमकाने की बात, वो भी चमक गए, अब क्या रहेगा, रह यही क्या कि बहुत कुछ है, लेकिन अब दीप लेकर सब दूर जाना होगा और देखना होगा क्या, क्योंकि बहुत कुछ पर थोड़ा सा होता, ठीक है एक दिया जला दिया, उसको बदलिए बैठे बैठे की बात ही नहीं। और आप देखिएगा कहाँ तो दूसरों के मन में, दूसरों के अंतर में, दूसरों के अंतर में जब आप जाइएगा तभी आप जानिएगा क्या है। इसलिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात पूछी गई है, हमारे एक अनंत जीवन नाम की एक संस्था मुंबई में चली, उसमें हम कोई मेंबरशिप नहीं रखते हैं, जो रियलाइज हो गए मेंबर हैं, रियलाइज लोग भी थोड़े से ढलक जाते हैं, फिर से रियलाइज होते हैं, कुछ आते हैं ऊपर में फिर पड़क जाते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं, ऐसे आप में भी आधे अधूरे कुछ होंगे, कुछ पूरे होंगे, कुछ बिल्कुल गलत। इसलिए हमने बोस साहब से रिक्वेस्ट किया था आप इन्हीं को चेयरमैन बना लीजिए, जैसा भी करना चाहे कर लीजिए, इनके पास हम सारी लिस्ट रख देंगे और आपका घर भी आपका पता यहाँ पर पास ही में, तो क्या 10 नंबर किंग जॉर्ज एवेन्यू आपका घर है, और फ़ोन नंबर भी आप इनसे ले लीजिए, इनके पास हम फोटोज वगैरह सब भेज देंगे। लेकिन आप बहुत बड़े काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए समय से आप लोग आ जाइएगा, और आप सोच रहे थे शुक्रवार का दिवस बहुत अच्छा है, उस दिन आप लोग अपना मेडिटेशन का कार्य करें, हम वहीं से चित्त से आपको देखेंगे। परमात्मा के बहुत से प्रतीक रूप आपने सुने होंगे कि जैसे गणेश जी हैं उनके मूषक वाहन हैं, और सबके वाहन आपने सुने हैं, अब आपका वाहन सिर्फ आपका चित्त है, आप चित्तारूढ़ हैं, चित्त पे बैठे, क्या कमाल है, आप चित्त पे अपने बैठे हुए हैं, जहाँ चित्त जाए वहीं काम बने, और इसकी इतनी कमाल है, यहाँ बैठे बैठे आप सत्ता निकालिए, यूँ करके खींच लिए सब, जिसको भी देखा कि वो सता रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी आदमी जिसके लिए भी आप सोचते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे उसको, ये अपने सहस्त्रार्थ पे उसको ला करके उसको खींचिए, बीच में ब्रह्मरंध्र है, आपको आश्चर्य होगा कि उनकी काफ़ी हालत ठीक हो, बहुत दुष्ट महादुष्ट, जो अभी इन्होंने गाया कि दुष्टासन बैठे हैं और कंस बैठे हैं, हाँ बिल्कुल बैठे हैं, सबके ऊपर में हम लोग बैठे बैठे सवेरे यही धंधा करते रहते कि उनकी सुबुद्धि दो, उनको सूट दो, इस तरह से इस प्यार का चक्कर, सिर्फ बैठे बैठे यहाँ से प्यार का चक्कर घुमाने से ही उधर आदमी ठीक हो जाता है, क्योंकि नफरत से कितनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं प्यार की बात, बहुत शक्तिशाली, समुंदर की जैसे था होती, समुंदर कितना भर जाए उसकी था बढ़ती रहे, ऐसी ही है, कितना भी हेट्रेड बढ़ जाए संसार का और प्यार जो है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ते रहेगा, नहीं बढ़ेगा तो संसार नष्ट होगा।
आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझ नहीं पाए कि एक नया नया जमाना बनाने की बात, नए लोग, नया डायमेंशन, एक नया आयाम जिसको कि आप समझ सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त। अभी जो सुजेश्वरी बाई गा रही थी, इनकी हालत इतनी ख़राब थी, कल आई थी तो इतनी हालत ख़राब थी, घबरा घबरा मेरे पास पहुँचे, ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है, तो हमने हाथ रखा, आज वो गाना गाने लगे। आप लोग सब ये काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंने छोड़ा नहीं काम जो आप नहीं कर। अब बस ये है कि हमारे बीच में बड़ा पर्दा है, इस पर्दे को चाक करना आ जाए काम बन जाएगा, इस पर्दे का ही चाक होना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आप पार हो गए पहला अपना तो पर्दा चाक हो गया, अब हमारा और आपका बीच का अंतर जितने जल्दी टूट जाए उतना ही काम बड़ा जबरदस्त।